हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 6वां चैप्टर, जो है भैया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इस चैप्टर के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और 2023 के एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बढ़ाना आता होगा और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको बढ़ाने नहीं आता होगा वीडियो की क्वालिटी को। तो आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर होगा क्वालिटी का, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 360 पी पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। अब एक एक करके आपको समझना है सबसे पहले कि ये क्वेश्चन है क्या, उसके बाद मैं अंत में बताऊंगा इन सभी को कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। अब भैया यहाँ पे कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स का भैया परिभाषा देना है, फॉर्मूला लिखना है, मात्रक लिखना है, राशि लिखना है, ठीक है। पूरा इसके वकायदे से चित्र सहित आपको समझाना है। तो आशा करते हैं आप इसको डिटेल में लिखेंगे और ये लगभग आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। आते हैं दूसरे पर। दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है, जो है लेंज का नियम। तो भैया लेंज का नियम क्या है, ठीक है, क्या है तथा यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंज का नियम क्या है इसको आपको बताना है। उसके बाद ये बताना है कि लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है, अनुसरण करता है या नहीं करता है उसको आपको बताना है। तो भैया अनुसरण करता है, इसको हमने डिटेल में बताया हुआ है। यदि आप पढ़ सकते हैं पीछे जाकर या न्यू में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। आते हैं तीसरे पर। तीसरा है भैया भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। भंवर धारा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आपसे 4 या 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, भंवर धारा किसे कहते हैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताना है चित्र सहित, ठीक है। और लगभग आपको 1 पेज में इसको लिखना होता है। तो इसको भंवर धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताया जाएगा। आते हैं भैया चौथे पर। तो ये देखिए स्वप्रेरण कहे या आपसे कह सकता है स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक इन दोनों का परिभाषा एक ही होता है और फॉर्मूला भी, ठीक है। क्योंकि जैसे प्रतिरोध जो क्या होता है, मान लेते हैं आई इक्वल टू हमने कह दिया क्यू बाई टी, मतलब विद्युत धारा बराबर क्या हो गया क्यू बाई टी हो गया ना। विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा आवेश बटे समय। तो भैया आई जो है ना वही जैसे विद्युत धारा भी कह दे रहे हैं और 1 एम्पियर को भी अगर कहा जाए कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो भले ही हम 1 एम्पियर ऐसे लिख देते हैं परंतु यदि हमको कहा जाए कि 1 एम्पियर क्या है तो हम आई से ही प्रदर्शित करेंगे कि भैया आई ही है, विद्युत धारा ही है 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसी प्रकार स्वप्रेरण जो होता है ना वही भैया स्वप्रेरण, मतलब स्वप्रेरण से ही स्वप्रेरण गुणांक आया है। तो इनका परिभाषा दोनों सिंपल सेम होगा और उसके बाद इसका मात्रक आपको लिख देना है। इसके साथ साथ ये स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला कैसे आया उसको भी आपको बकायदा लिखना है, ठीक है। आते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट पे। तो ये है भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसको आपको पूरे डिटेल में आपको पढ़ लेना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है परंतु यहाँ पे दाएं हाथ का नियम हमने दिया गया है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। तो इसको आपको याद रखना है, कम से कम ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। आते हैं छठे पर। छठा क्वेश्चन है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। अब भैया फैराडे को यहाँ पे लिखा है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम आपको बताना है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए, ठीक है। या तो फैराडे पहले कह देगा कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए, या ऐसे भी कह सकता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। तो ये तो हम जानते हैं कि फैराडे के 2 नियम होते हैं,
फैराडे ने दो ईश्वर नियम दिया है वैद्य चुंबकीय प्रेरण पे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तो उसको भी हमने बताया हुआ है, यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसको भी बताएंगे। ठीक है, आते हैं छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 या 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोई 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि वैद्य चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अब भैया वैद्य चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसका आपको परिभाषा लिखना है और फिगर सहित इसका परिभाषा लिखना है। और हमने बताया है अभी, हमें जो हमारे ट्रिक्स ब्रदर्स चैनल है उसमें हमने बताया ही है कि वैद्य चुंबकीय प्रेरण क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने इसका अच्छे से इसको डिटेल में बताया है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वही तो क्या कहलाता है भैया, वैद्युत चुंबक के प्रेरण कहलाता है। तो पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं, अभी हम बताएंगे कि कैसे आप सभी को पढ़ सकते हैं। अब आता है भैया अन्योन प्रेरण गुणांक। देखिए ये स्व प्रेरण गुणांक है या अस्व प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक, ये दो प्रकार होते हैं, तो इसको याद रखना है, कभी अन्योन प्रेरण कहे या अन्योन प्रेरण गुणांक, इसका परिभाषा दोनों सिंपल होगा, तो परिभाषा आप लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका मात्रक लिखिएगा, और इसका फॉर्मूला कहां से आया वो भी आपको बताना होगा। तो आशा करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे, अदरवाइज बहुत से ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जिसको बहुत तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है, आपको समझना है कि हर क्वेश्चन कहां किया जा रहा है। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो न समझ में आए तो कुछ तो उसमें सेम टू सेम मिलेगा ना। जैसे अगर मान लेते हैं को यहाँ पे हमने लिखा है फैराडे के वैद्य चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, अब कभी कभी किताब में दे देगा कि वैद्य चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए, अब लड़के कंफ्यूज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं भैया ये तो क्वेश्चन अलग है, ये इसका आंसर बताइए इसका, अरे भैया दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, कल ही हमने एक जो स्टूडेंट है उनको हमने बताया था, तो ऐसे ही आप मतलब आप थोड़ा अपने तरफ से दिमाग लगाइए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मैसेज करके उस तरह से करना अच्छा नहीं होगा, कितने लोगों का जवाब दिया जाए ऐसे, तो आप समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और डाउट क्वेश्चन हो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए अलग से लाइव क्लास भी चलाया जाएगा आगे, समय आने दीजिए। पर हाँ, व्हाट्सएप पे इतना मतलब डाउट क्लासेस पूछना अच्छी नहीं है, वो आपको लिए नंबर ये दिया जा रहा है, यहाँ पे एक नंबर आपको दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मान लेते हैं कि आपको क्लास 12th का ही फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर में इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th चैप्टर है तो इसका भी पढ़ना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, और केवल आप लिख सकते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, हम मैसेज करेंगे तो आपको क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना पढ़ाया गया होगा जितना चैप्टर उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, और आगे जो भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उस लिंक में ज्वाइंट होते जाएंगे प्रत्येक दिन, तो आप उसको देखेंगे तो आपको रोज आना उसमें ज्वाइंट होते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा आगे का चैप्टर। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके मांग लीजिएगा, या दूसरे आपके पास ये भी तरीका है कि मान लेते हैं इसमें से कोई, मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का या दाएं हाथ का नियम ब्रदर सर, इसी प्रकार वैद्य चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, इसी प्रकार आप कोई भी टॉपिक को नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो उस तरीके से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, अदरवाइज मैं यही कहूंगा यदि आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में आता है, तो वो समझना चाहते हैं, तो आप उसी प्रकार कर सकते हैं, नाम लिखिए अंत में हमारे नाम, हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।